तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े शख्सियत के बारे में, जिसकी खतरनाक आंखें और उसके रसलिंग मूव्स के सामने कोई भी नहीं टिकता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे 30 सालों से रसलिंग की दुनिया पर राज कर रहे दी अंडरटेकर के बारे में, जिनका असली नाम मार्क विलियम केलवे है। दोस्तों, फिलहाल दी अंडरटेकर अब हमें WWE में कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनके फैंस हमेशा उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित रहते हैं। पिछले कई सालों से इंडिया में भी WWE काफी ज्यादा देखा जाता है, और इस दौरान WWE में कई बड़े रेसलर्स आए और चले गए, लेकिन अंडरटेकर की दीवानगी कभी कम नहीं हुई। फ्रेंड्स, अंडरटेकर ने अपने करियर में 4 बार WWE चैंपियनशिप और 3 बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की है। इसके अलावा द अंडरटेकर रॉयल रंबल 2007 के विनर भी रह चुके हैं, और WWE में सबसे बड़ा रिकॉर्ड रसलमेनिया में लगातार 21 साल जीतने का रिकॉर्ड भी द अंडरटेकर के नाम है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रसलिंग के दुनिया के गॉड माने जाने वाले द अंडरटेकर की लाइफ स्टोरी के बारे में। तो वीडियो काफी कमाल की होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, द अंडरटेकर का जन्म 24 मार्च 1965 को टेक्सास के ह्यूस्टन सिटी में हुआ था, और इनका असली नाम मार्क विलियम केलवे है। इनके फादर का नाम फ्रैंक कैंप्टन केलवे था, जिनकी डेथ 22 जुलाई 2003 को हुई। अंडरटेकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वोल्ट्रिप हाई स्कूल से की, जहां अंडरटेकर फुटबॉल और बास्केटबॉल के टीम के मेंबर थे। 1983 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर एंजेलिना कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने अपने बास्केटबॉल के खेल से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, जिससे आगे चलकर इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी। और इनकी हाइट 6 फुट 10 इंच है, और इनका वेट 140 किलोग्राम। और इसके अलावा दी अंडरटेकर ने अपनी तीसरी शादी 2010 में की, और इनकी वाइफ का नाम मिशेल मैककॉल है। और अगर इसके बाद दी अंडरटेकर के रसलिंग करियर की बात की जाए, तो इन्होंने अपने रसलिंग करियर की शुरुआत 1984 में वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रसलिंग को ज्वाइन करके की, जहां दी अंडरटेकर अपने रिंग नेम टेक्सास रेड के साथ मास्क पहनकर रिंग में उतरे, लेकिन वो अपना पहला ही मैच ब्रूसर ब्रूडी से हार गए, जिसके बाद उन्होंने रसलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। और जब उन्हें लगा कि वो रसलिंग के लिए तैयार है, तो उन्होंने कॉन्टिनेंटल रसलिंग एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और एक बार फिर से रिंग में अपना हाथ आजमाया, और इस बार इनका नाम मास्टर ऑफ पेन रखा गया। जिसके बाद 1 अप्रैल 1989 को इन्होंने जेरी लोर को हराकर अपना पहला रसलिंग किताब यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम कर दिया। इसके बाद द अंडरटेकर ने 5 अक्टूबर 1989 को फिर से एक नए नाम के साथ द पनिशर के साथ रिंग में कदम रखा, और एरिक एम्बरी को हराकर टेक्सास हैवीवेट चैंपियनशिप का किताब अपने नाम कर लिया। और द अंडरटेकर ने WWE में आने से पहले कई रिंग नेम्स जैसे कि मार्क केलोज, मीन मार्क, डाइस मॉर्गन, द मास्टर ऑफ पेन, द फिनिशर और टेक्सास रेड के नाम से रिंग में कदम रखा। और फाइनली 1990 में द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद अंडरटेकर ने WWF में अपना पहला ऑन स्क्रीन मैच 22 नवंबर 1990 को सर्वाइवर सीरीज में लड़ा। और इसके बाद तो मानो अंडरटेकर का रसलिंग करियर ऊंचाइयों को छूने लगा। इन्होंने WWF के अपने शुरुआती करियर में जिमी स्नुका और हल्क होगन जैसे रसलर्स को भी हरा दिया, और WWF के डेब्यू के बाद दी अंडरटेकर लगातार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज करते गए। लेकिन एक दिन योकोजोना के साथ एक कास्केट मैच में दी अंडरटेकर इंजर्ड हो गए, जिसके चलते उन्हें लंबे टाइम तक WWE से बाहर रहना पड़ा। इसके बाद दी अंडरटेकर ने फिर से
WWF में अपना रिटर्न किया और बड़े बड़े रेसलर्स जैसे कि जिमी स्नुका और अल्टीमेट वॉरियर जैसे रेसलर्स के साथ स्टोरी लाइन में रही। और 24 मार्च 1991 को द अंडरटेकर ने रसलमेनिया 6 में अपना पहला रसलमेनिया मैच लड़ा। अंडरटेकर ने WWF में अपनी पहली चैंपियनशिप हल्क होगन को हराकर जीती थी, जिसके बाद द अंडरटेकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने लंबे करियर के दौरान द अंडरटेकर ने फैंस को बेहतरीन से बेहतरीन मैचेस दिए और उन बेहतरीन मैचेस में ट्रिपल एच वर्सेस द अंडरटेकर का रसलमेनिया में हुआ हेल इन ए सेल मैच कोई नहीं भुला सकता। और अंडरटेकर ने अपने रेसलिंग करियर के दौरान कभी भी WWE के अलावा दूसरी रेसलिंग प्रमोशंस में काम नहीं किया और यही वजह है कि द अंडरटेकर WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन के सबसे चहेते सुपरस्टार बने हुए हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये थी द लेजेंड अंडरटेकर की लाइफ स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसी के साथ कमेंट करके अपने थॉट्स द अंडरटेकर के बारे में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह WWE की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।